प्राइवेट पार्टी था तो ऑब्वियसली फैंस अंदर नहीं थे, वो फ्रेंड्स थे. लेकिन हाँ, जब ऐसे शोर शराबा होता है तो ऐसा लगता है कि और मेहनत करनी चाहिए और फिल्में करनी चाहिए. गिफ्ट ऑन बर्थडे इज विशेस. और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमेशा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. हर साल हमेशा बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत ही बेहतरीन पोस्ट आ रही है. बहुत अच्छा रहा, सभी गाने बहुत ही अच्छे हैं. रमेश जी का म्यूज़िक है और जाहिर सी बात है कि अगर रमेश जी का म्यूज़िक होगा तो उसे बहुत अच्छे तरीके से हमें सुनवाना है. तो पहला गाना था वो है जावे सारे दुनिया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े स्केल पे किया है. और उसके बाद रमेशा जी का गाना है गैंगस्टर साला. गैंगस्टर साला में एक किस्म का एटीट्यूड आना था, जिसे मद्देनजर रखते हुए और जो दिमाग में रखते हुए अमीषा जी ने, सुशी ने, हम सब ने मिल के इस गाने को एक किस्म से एक रंग और रूप दिया है. और जाहिर सी बात है मेरा तो सबसे पसंदीदा गीत है आलू सलाम के कोरियोग्राफर राजू खान है, गैंगस्टर के भी कोरियोग्राफर राजू खान. बहुत ही प्यारा गाना है. मसाई मारा के मंडलों में पहली बार कोई हिंदी फिल्म शूट हो रही है, तो मैं बस उम्मीद करता हूँ कि लोगों को ये एक्सपीरियंस अच्छा लगे. भैया जी सुपरहिट सनी देओल के साथ मेरी दूसरी फिल्म है गदर के बाद, और बहुत अलग फिल्म है क्योंकि इसमें सनी देओल का डबल रोल है और मेरा किरदार एक सुपरस्टार का है. तो बहुत ही ये एक कमर्शियल एंटरटेनर है और लोगों को बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम सनी देओल ए